आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। आज लूट अपहरण अत्याचार बलात्कार लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। हर घर शराब योजना चल रहा है, कहीं शराबी नहीं पकड़ा जा रहा है। आज बेरोजगार को रोजगार नहीं है, किसानों को खाद नहीं है, लेकिन शराब के आड़ में इंसान जरूर पकड़ा जा रहा है। दो पार्टियों की सरकार चल रही है, चार पार्टियों की सरकार है, तो दो का कमर ढीला है और दो का कमर टाइट है। कार में हूँ प्रतिभा सिंह और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। इस वक्त हम पटना के आरजेडी कार्यालय में हैं। यहाँ पे आपदा प्रबंधन के प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या बातें हो रही है, किस मुद्दे पे बातें हो रही है, देखिए हमारी इस वीडियो में। इस बैठक में किस मुद्दे पे बातें हो रही है? आज सदस्यता अभियान की शुरुआत राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के द्वारा की गई है, जिसमें अभी हमारे प्रदेश और जिला के साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं और 25 से ऊपर सक्रिय सदस्य आज बने हैं इस बैठक में, और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। लेकिन इस बैठक में मुख्य जो अभी वर्तमान मुद्दा है वह 4 अप्रैल को होने वाला नगर निकाय का जो MLC की चुनाव है, उस उम्मीदवार को जिताने के लिए हमारे आपदा प्रकोष्ठ के तमाम साथी लगेंगे, उसके बारे में भी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने मार्गदर्शित करने का काम किया। एक तरफ नीतीश कुमार शराबबंदी पे फोकस कर रहे हैं और लगातार कई नियम का पालन कर रहे हैं, जैसे कि ड्रोन कैमरा का, हेलीकॉप्टर का, और कहीं भी शराबबंदी बिहार में बंद नहीं है, हर एक जगह शराब मिल रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार जी लगातार शराबबंदी में है, लेकिन शराबबंदी बिल्कुल बिहार में फेल है। हर घर शराब योजना चल रहा है, कहीं शराबी नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन शराब के आड़ में इंसान जरूर पकड़ा जा रहा है। इसलिए आज बेरोजगार को रोजगार नहीं है, किसानों को खाद नहीं है, सभी जगह पर आज लूट अपहरण अत्याचार बलात्कार लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। नीतीश कुमार बिल्कुल फेल्योर है। नीतीश जी डबल इंजन की सरकार, लगातार इस पुलिस प्रशासन को अंकुश लगाने में, अपराधियों को अंकुश लगाने में फेल्योर है। इसलिए नीतीश जी की जाना तय है, आने वाले दिनों में बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे। बिहार के नौजवान और बिहार के आम आवाम उनके साथ खड़ा है। सर, नीतीश कुमार जी अपने आप को बिहार की सुशासन की सरकार बताते हैं और आप डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। डबल इंजन आप देख नहीं रही हैं कि डबल इंजन की सरकार है? जदयू और RSS की सरकार किसका है? दो पार्टियों की सरकार चल रही है, चार पार्टियों की सरकार है, तो दो का कमर ढीला है और दो का कमर टाइट है। तो चार गठबंधन का सरकार चल रहा है, तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है। राजद गठबंधन के हमारे 24 प्रत्याशी पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी जीत सुनिश्चित हो उसकी तैयारी के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। आज यह निर्णय और मार्गदर्शन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के द्वारा भी दिया गया है कि तमाम हमारे आपदा प्रकोष्ठ के साथी अपने अपने जिला में जो भी प्रत्याशी हैं उसको जीत सुनिश्चित करने के लिए लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और भी उपाध्यक्ष हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई, किस मुद्दे पे बात हुई। सर आपका नाम? हमारा नाम है श्री राम गोपाल सिंह यादव। कहाँ से आए हैं सर आप? वैशाली जिला से आए हैं, गोल प्रखंड से। हम यहाँ के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रबंधन प्रकोष्ठ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं पूरे बिहार के। सर इस बैठक में किस मुद्दे पे बातें हुई? इस मुद्दे पर बात हो गई, सरकार भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, हम लोग को निर्णय लेना है, और हम लोग को सर्वमान्य नेता लालू यादव को गलत ढंग से फंसाया गया है। ये हमको पूरा उम्मीद है कि इनको न्याय 11 तारीख को मिलेगा, और हम लोग इसके सरकार बदलने के लिए हम लोग जो कुछ हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग जो राष्ट्रीय प्रबंधक प्रकोष्ठ के जितने भी पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष सचिव जो भी लोग हैं, हम लोग रोड पर आएंगे और इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। सर लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है नीतीश कुमार के सरकार में, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, सारा काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, घुसखोरी बढ़ गया, कहीं कोई कार्यकर्ता को सम्मान नहीं है, यहाँ तक कि उनके दल के लोगों को नहीं पूछ रहा है अफसर लोग, और किसी को नहीं लगा रहा है। जो भ्रष्टाचार गंगोत्री बढ़ रहा है बिहार में, और सभी जगह खाली पैसा से ही काम होता है, ऐसे एक भी काम नहीं होता है बिना पैसा का। सर क्या नाम हुआ? ललन शाह। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लालगंज विधानसभा के अंतर्गत घटारो मत पंचायत है, वहीं से आए घटारो। आप लोगों की मेन मुद्दा क्या थी? मेन मुद्दा था
सक्रिय सदस्य सदस्यता अभियान था जिसके लेकर के हम लोग उपस्थित थे। बिहार सरकार को लेकर आप क्या संदेश दिए? बिहार सरकार के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमारे आरजेडी सरकार को जंगल राज कहने वाले और अपने आप को मंगल राज कहने वाले के राज में चारों तरफ अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है, मंगल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।